हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो सैलाब आया हुआ है और ये कश्ती जो आपके सामने नज़र आ रही है, और कश्ती चला के दिखाऊंगा यहाँ पर और दूसरे मनाज़र भी दिखाते चलूँगा आपको। और ये जो देख रहे हैं आप, ये अपना रेट ये कश्ती के ऊपर नजर आ रहा है आपको। चढ़पाते पड़ते कर और सैलाब की सूरत हाल के अंदर की केर बदी दे भैया ने खड़े नहीं हुए, उनके बारे में बताऊंगा अभी। ये जो आप देख रहे हैं कश्ती है, और इस तरह से इस कश्ती को चलाया जाता है, और दरियाओं के अंदर, झीलों के अंदर इस तरह से देख लें आप। ये देखें आप, यहाँ पर ये शीशम फसल है। शीशम को तिल भी कहते हैं उर्दू में, और शीशम इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। और यहाँ पर ये सैलाब जो आया हुआ है उसको रोकने के लिए हमने छोटा सा इसको जो है बंद दिया हुआ है, ताकि इस पानी को हम रोक सकें और अपने फसलों को बचा सकें। और ये देखें, ये एक तरफ से पानी है, दूसरी तरफ से हमारे फसल हैं। ये देख लें आप, आपको नज़र भी आ रही है। अब हम जो है बाइक पर दूसरी साइड चलेंगे और वहाँ के मनाज़र कुछ चीज़ें और भी आपको दिखाएंगे। और माजद के साथ मैं अभी बाइक पर हूँ, तो वीडियो में जो है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है कि पानी को रोकने के लिए कितनी एराजी के अंदर हमने इसको ये प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है अपने फसलों को। तो जाहिर सी बात है, पैदल तो इतना सफ़र नहीं कर सकता, तो बाइक पर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें बहुत जो है एराजी के अंदर हमने इसको रोकने की कोशिश की हुई है, ताकि अपने फसल को बचा सकें। तिल का फसल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल होता है, तो उसके लिए हमने बहुत बड़ी मेहनत की हुई है। इसमें देखें, पूरा ओवरव्यू में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ देखें कितनी
नदी है और यहाँ पर ये पानी का जो है रास्ता है, अगर टूट गया पानी तो इस रास्ते से हमारे फसलों में घुसेगा। तो यहाँ और देखें, ये हमारी ज़मीन है जो कुछ आपको नज़र आ रही हैं। और ये गांव की दूसरी तरफ से इसको पानी को रोकने की कोशिश की गई है। ये दूसरी जगह है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ। और ये तिल का फसल कुछ डूब चुका है यहाँ पे, और कुछ को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। और देखें ये कितना पानी है, जिसको देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये हमारी भैंसें हैं, हमारी नहीं है बल्कि हमारे रिलेटिव की हैं, और ये पानी के अंदर जो है नहा रही हैं। और भैंस का जो है पानी के साथ बहुत प्यार होता है, मतलब वो रहना ही पानी में चाहती है, और ज़्यादा टाइम अगर वो चाहे तो पानी में रहना चाहती है, बस खाना खा के फिर पानी में, खाना खा के फिर पानी में। और ये छोटी सी झील का किनारा है, और यहाँ जो आपने पानी देख रहे हैं ये झील के अंदर है, और ये हमारा गांव है नज़दीक सा। ये मिट्टी पड़ी हुई है और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है इन भैंसों को संभालने के लिए, और ये जो मंज़र आप देख रहे हैं। और ये भाई साहब हैं जो मैंने पहले बताया आपको, भैंसों के लिए बैठे हैं, उनको लकड़ी हाथ में है ताकि भैंसों की जो है देखभाल करें उनको कहीं से रोकने के लिए। ठीक है, फिर से मैं बाइक पे हूँ और यहाँ पे शीशम का फसल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और ये मसला होगा, तो इसलिए माज़र करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने गांव के मुख्तलिफ मनाज़र दिखा सकूँ। ये हमारे फसल हैं शीशम के, हमारे पूरे गांव के।